मैं अपने वाईफाई राउटर में एक सीक्रेट सेटिंग करके रखता हूँ जिससे कि कभी भी मुझे वाईफाई सिग्नल कनेक्टिविटी इश्यूज या फिर स्पीड ड्रॉप फेस नहीं करना पड़ता। ये देखिए, मेरे पास एक 60 Mbps फाइबर ऑप्टिक प्लान है और उस हिसाब से मुझे एग्जैक्टली हर एक टाइम पे 60 Mbps ही मिलता है। तो आपको भी अगर अपने प्लान के हिसाब से, चाहे आपने कितने भी Mbps का प्लान यहाँ पे लेके रखा है, चाहे वो 60 हो, 100 हो, 200 हो, अगर एग्जैक्टली वही स्पीड आपको अपने वाईफाई स्पीड टेस्ट में देखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा वाईफाई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम या फिर स्पीड ड्रॉप इश्यूज फेस करते हैं अपने वाईफाई राउटर से, तो यहाँ पे प्रोबेबली दो रीजंस बेसिकली हो सकते हैं। एक तो यह है कि आपका वाईफाई राउटर उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है उस सिग्नल को बूस्ट करने में, और एक दूसरा रीज़न हो सकता है जिसको मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बेसिकली। तो अगर आपके साथ पहला प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती है, आपको यहाँ पे एक नया राउटर ही लेना पड़ेगा। और नए राउटर में अगर आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सा राउटर परचेस करना है, तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और बात आती है अभी दूसरे प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे एज ए एग्जांपल, अगर आपने कभी भी FM रेडियो को मैन्युअली ट्यूनिंग किया है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि थोड़ी सी ट्यूनिंग पे ही हम लोग को यहाँ पे साउंड क्वालिटी में कितनी ज़्यादा फ़र्क मिलती है। अगर आपने बाई चांस दो स्टेशन के बीच में, आई मीन 98.3 एक अलग स्टेशन है और 98.4 एक अलग ही स्टेशन है, अगर आपने दो स्टेशन के बीच में रेडियो सिग्नल को डाल दिया तो वहाँ पे कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई शुरू हो जाती है इमीडिएटली। सो बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि जब आप दो रेडियो स्टेशन के बीच में यहाँ पे सिग्नल को डालते हैं तो वहाँ पे सिग्नल ओवरलैपिंग का इशू आ जाता है। दैट मीन्स 98.3 एक स्टेशन है और 98.4 कोई अलग ही स्टेशन है जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। 98.3 एक अलग फ्रीक्वेंसी है और 98.4 एक अलग ही फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों के बीच में जब भी आप सिग्नल को डालेंगे तो वहाँ पे एक ओवरलैपिंग होगा ही होगा, और इसीलिए हम लोग को क्लियरली साउंड यहाँ पे सुनाई नहीं देती। एंड वाईफाई में भी सिग्नल्स ठीक ऐसे ही काम करता है। आपको ये पता होगा ज़रूर कि वाईफाई में हम लोग को दो तरीके के बैंड्स मिलते हैं, एक है 2.4 और एक है 5 GHz। बट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि इस बैंड के अंदर भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे कि वाईफाई सिग्नल आपका ब्रॉडकास्ट होता है। 2.4 के लिए अलग अलग चैनल्स यहाँ पे दिए गए हैं और 5 GHz के लिए अलग अलग चैनल। तो अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे वाईफाई सिग्नल्स शो होते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट्स या फिर फ्लैट्स हो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग को बहुत सारे वाईफाई सिग्नल्स शो होते हैं अपने फ़ोन या फिर PC पे, तो वहाँ पे वाईफाई सिग्नल ओवरलैपिंग का एक बहुत ज़्यादा इशू हम लोग को मिलता है। तो अगर आपके पास ऐसे नाइबर है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं आपके, नॉट इन दैट सेंस, तो आपको बहुत ज़्यादा वाईफाई नेटवर्क वहाँ पे मिलती होगी, और यही एक मेन रीज़न हो सकता है जिससे कि आपको वाईफाई सिग्नल स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम मिलती हो या फिर आपको अच्छे से स्पीड्स नहीं मिलते अपने PC या फिर फ़ोन पे। सो हाउ डू वी फिक्स दिस शुभजीत? मैं अभी शायद 3 मिनट से बकबक कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। सो द सॉल्यूशन इज हेयर गाइज, डोंट वरी। सो द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपका वाईफाई राउटर या फिर आपके नाइबर पे, आई मीन जितने भी वाईफाई सिग्नल्स आपको अपने फ़ोन पे या फिर PC पे शो होते हैं, वो वाईफाई सिग्नल्स कौन से चैनल पे अभी उस वाईफाई सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो इसको जानने के लिए तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको जाना है प्ले स्टोर या फिर iOS स्टोर पे, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है वाईफाई एनालाइजर। इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, ऐप लॉन्च करते ही आपको वहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हो जाएंगे जो कि आपके फ़ोन के एरिया में हो। नीचे चैनल की डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाएगा। सो क्लोजर टू जीरो मीन्स स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन। मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है वो मेरे फ़ोन से सबसे ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल यहाँ पे शो कर रहा है ऑब्वियसली। और यहाँ पे आपको सारे के सारे 5 GHz के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो क्योंकि मैं अपने ही घर पे रहता हूँ और मेरे आसपास कोई भी वाईफाई सिग्नल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं शो होगा, बस मेरे पास जो सिग्नल्स है वही यहाँ पे इस एप्लीकेशन में ये शो कर रहा है। बट अगर आप अपार्टमेंट या फिर फ्लैट जैसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे वाईफाई सिग्नल्स मिलते हैं अपने फ़ोन में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सिग्नल्स डेफिनेटली शो होंगे, और हर एक वाईफाई सिग्नल कौन सा चैनल यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये नोट डाउन करना है कि आपका वाईफाई राउटर कौन से चैनल पे अभी करेंटली काम कर रहा है, और आपके नाइबर में मतलब जितने भी वाईफाई सिग्नल्स आपको अभी अपने फ़ोन पे शो हो रहे हैं, वो वाईफाई सिग्नल्स कौन से चैनल पे उनका वाईफाई सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सो द सॉल्यूशन फाइनली, जस्ट लॉग इन टू योर राउटर 192.168.0.1, इसको आप क्रोम पे भी ओपन कर सकते हैं और आपका जो राउटर एडमिन पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। वहाँ पे डालना है पासवर्ड, पासवर्ड डालने के बाद आपको जाना है वायरलेस सेटिंग पे, वहाँ पे आपको 2.4 GHz के लिए और 5 GHz के लिए अलग अलग सेटिंग मिल जाएगा। और 2.4 और 5 GHz के अंदर ही आपको यहाँ पे चैनल सेटिंग मिल जाएगी जिसके बारे में अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था। तो सिलेक्ट आपको ऐसे करना है कि जिस चैनल को कोई भी नहीं यहाँ पे यूज़ कर रहा है, मतलब वो चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही यहाँ पे फ्री है, उसको यहाँ पे डाल देना है। या फिर सिनेरियो आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हर एक चैनल को कोई ना कोई राउटर यहाँ पे ऑलरेडी लेके रखा है, तो उस केस में आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम हो, मतलब जिस चैनल पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट ट्रैफिक हो, उसको यहाँ पे आपको डाल के रखना है।
उसको यहाँ पे सेव करो और राउटर को एक बार रीबूट करो, एंड उसके बाद देखो कि आपके वाईफाई सिग्नल कनेक्टिविटी में जो प्रॉब्लम अभी तक आपको फेस करना पड़ रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हुआ है कि नहीं, या फिर अगर आप स्पीड ड्रॉप इश्यूज फेस करते थे इससे पहले, अगर आपके साथ ओवरलैपिंग इशू था तो वो इस चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आपको इस ट्रिक के बारे में पता था? अगर नहीं तो अभी इसको अपने राउटर में अप्लाई करो और बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड परचेज स्मार्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम।